में इतनी क्षमता है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब तरक्की करें और खूब पढ़े, समाज में नाम करें। भाई चंद्रभान जी, जब रवि ने मुझसे कहा कि इस विषय पर बोलना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और G20 के भीतर इस विषय को किस तरीके से लिया गया है, तो मैंने रवि से असमर्थता जाहिर की कि पॉलिटिकल थ्योरी का मैं विद्यार्थी हूँ, मतलब राजनीतिक सिद्धांत पढ़ता पढ़ाता हूँ, और इस विषय पर मेरी बहुत गति नहीं है, तो किसी एक और वक्ता को ऐसा जरूर बुलाओ जो इसके इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव और उसमें G20 के साथ जोड़ करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आपको बता सके। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे लगा कि आप लोग तो सब जानते ही हैं, क्योंकि पोस्टर देखा, और जिन बच्चों ने इसको नहीं बनाया है वो भी अभी देख ले तो उनको समझ में आ जाएगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और G20 ने अपने एजेंडे में इसको शामिल क्यों किया। फिर भी मैं चाहूंगा कि इसकी उन परतों को आपके सामने खोलूं जिसको समझना आपके लिए, हमारे लिए बेहद जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि चीजें जैसी दिख रही होती हैं वह वैसी होती नहीं है। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? आप सोचेंगे अचानक से ये बात मैंने क्यों कहा, इसकी वजह यह है कि क्या ये ज्ञान हम लोगों को सिर्फ 7-8 साल पहले आया था कि टूथपेस्ट में नमक होना चाहिए, या दुनिया में ये ज्ञान सैकड़ों साल पहले से था? तो आप यदि इस संदर्भ में चीजों को देखने की कोशिश करेंगे तो पाएंगे कि टूथपेस्ट में नमक होना चाहिए ये ज्ञान बहुत पहले से था, लेकिन बाजार में उसका उपयोग इस तरीके से नहीं किया। धीरे धीरे हमारी आधुनिक सभ्यता जैसे जैसे विकसित होती जा रही है, हमारे जीवन पर बाजार का असर बढ़ता जा रहा है। मिसाल के तौर पर बहुत सारे बच्चे आज मैगी खा करके आए होंगे, पर कभी विचार कीजिए कि मैगी जब बनता है तो 3 बार पर्यावरण प्रदूषण करता है, ठीक है? एक बार जब उसमें जो अनाज है उसका पेस्ट बन रहा होता है तो एनर्जी की जरूरत पड़ती है, दूसरी बार वो तला भी जाता है, जो मैगी आप खाते हैं ना, एक बार वो तला हुआ पहले से रहता है उस वक्त, और तीसरी बार जब हम घर में बनाते हैं तब, ठीक है? और ये कितना लोकप्रिय है ये सब आप तो जानते ही होंगे। कहने का मतलब हुआ इस उदाहरण के माध्यम से जो बात मैं आपको कहना चाहता हूं वो ये है कि हमारे कंजम्पशन का पैटर्न धीरे धीरे ऐसा होता जा रहा है जिसमें पर्यावरण प्रदूषण की संभावना ज्यादा होती है, हमें इससे बचना चाहिए। एक बात, और ये जरूरी क्यों है, अपने पर्यावरण की रक्षा करना हमारे लिए जरूरी क्यों है और क्यों हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातचीत करने लगे, उस मुद्दे पर कुछ खास कहने से पहले 2 बड़े लेखकों की एक चेतावनी है, उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आप लोगों ने हॉकिंग्स का नाम सुना होगा, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम लिखा है उन्होंने, बड़ी प्रसिद्ध किताब है, और आपको जब समय हो थोड़ा सा आप और पढ़े हो इस किताब को जरूर पढ़िएगा, बड़ी सरल इंग्लिश में उपन्यास की शैली में फिजिक्स के, एस्ट्रोफिजिक्स के बहुत सारे सिद्धांतों को समझाया गया है, और वह लेखक इस किताब में कहता है कि पिछले 300 साल में जिस तरीके से मानव सभ्यता विकसित हुई है वह अब एक ऐसी दहलीज पर पहुंचने वाली है जहां पर इस पृथ्वी पर मानव सभ्यता का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, और ऐसा होने में अधिक समय नहीं है, 200 साल और हैं, इसीलिए मानव जाति को दूसरे ग्रहों पर
बस्तियां बसाने का प्रयास तेज कर देना चाहिए। शायद एलोन मस्क इसको बड़ी गंभीरता से ले लिया और आपको पता ही है इसके बाद वो मंगल मिशन और वहाँ पे मनुष्यों को भेजने की योजना, इस तरह की पूरी दुनिया में एक सोच चल पड़ी। एक एंगल तो ये है कि यदि हमने कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मॉडल नहीं अपनाया तो इस पृथ्वी से मानव जाति का अस्तित्व खत्म हो सकता है, ऐसा बड़े बड़े साइंटिस्ट भी मानने लगे। पर इसके साथ एक दूसरी बात है जो इस विषय को एक दूसरे तरीके से समझने के लिए आपको प्रेरित करती है, मैं उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एक बहुत ही युवा इतिहासकार है, उसका नाम भी है युवा नोआह हरारी। सेपियंस उसकी एक प्रसिद्ध रचना है, इनके भी दोनों में आती है, अब इसको भी पढ़िएगा। इस किताब में वह लिखता है कि 2050 तक धरती पर होमो सेपियंस खत्म हो जाएगा। घबराइए नहीं, अभी सुन लीजिए आप, 2050 तक धरती पर होमो सेपियंस खत्म हो जाएगा, वो टेक्नो सेपियंस बन जाएगा। घबरा जाएंगे, दौड़ा के सब खा पी के 30 वर्ष में खत्म कर देते हैं, बस लगे और प्रदूषण फैल जाएगा 30 साल पहले, बाद में जो मरना होगा पता चला उसके 15 साल नहीं है। तो क्या करना है, टेक्नो सेपियंस हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि हम लोग टेक्निक रिडन हो जाएं, अभी भी होते जा रहे हैं हम। जब यंत्रों से जब हम घिरे होंगे, ये प्रदूषण इसी तरह से बढ़ता रहे, जल प्रदूषण इसी तरीके से बढ़ता रहे, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जितने तरह के प्रदूषण के बारे में आप सुनते हैं, तो परिणाम होगा कि इसका भी लाभ कमाने का एक जरिया बन जाएगा, इसके द्वारा भी लाभ। जल प्रदूषण है तो आप देखिए पानी बंद बोतल आपको मिलने लग गया। वायु प्रदूषण इसी तरह बढ़ने से हम लोग कई इस तरह का पीठ पर एक ऑक्सीजन का सिलेंडर लाद के चलने लग जाएंगे। इस तरह की जो स्थितियां बन रही हैं, उसी के बारे में वो चेतावनी देता है कि हमको सोचना पड़ेगा अपने बारे में एक बार, अन्यथा हम टेक्नो सेपियंस बन करके रह जाएंगे। लेकिन यदि हम टेक्नो सेपियंस भी बनते हैं तब भी हमारा जीना मुहाल रहेगा। और इन सब चीजों के बारे में सोचने की जो शुरुआत हुई, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर, इसको हिंदी में संपोष विकास कहते हैं, कई बार सतत विकास कहते हैं, हरित विकास भी कहते हैं, इसके बारे में एक सोच चली कहां से। कहने के लिए हम ये कहते हैं कि हमारे इंडियन ट्रेडिशन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सारे बीज मौजूद है। एक एंगल से ये बात सही भी है, लेकिन दूसरे एंगल से ये बात सही नहीं है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये सब मॉडर्न आइडियोलॉजीज, मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स। हमारे अतीत के भारत में जब इस तरह की पर्यावरण प्रदूषण थी नहीं, तब जो हम पर्यावरण की रक्षा करने के लिए एक जीवन शैली अपनाए हुए थे उसके आयाम अलग थे, और वहां ज्यादातर हम ये नहीं सोचते थे कि हमारे किस लाइफ स्टाइल से पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगी, बल्कि था क्या कि उस समय हम सोचते थे कि ये सब हमारे जीवन के अंग हैं, हमारे अभिन्न है, ये सब भी हमारे नातेदार सहोदर है, पशु पक्षी वृक्ष इत्यादि के बारे में ये संकल्पना थी। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न एज आता गया और उस मॉडर्निटी में यूरोप का ऐसा डोमिनेंस होता चला गया, जहां पर यूरोप की जीवन शैली को ही एक आदर्श जीवन शैली मान लेने की प्रवृत्ति बढ़ती गई, वहीं से एक ऐसे मनुष्य की संकल्पना अस्तित्व में आती है जो स्वार्थी। पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी मैकियावेली को पढ़े होंगे ना, थर्ड ईयर में जो हॉब्स को पढ़े होंगे, लॉक ने कहा कि नहीं थोड़ा ठीक है, लेकिन बाद में फिर गड़बड़ा गया, है ना। रूसो ने भी ऐसा ही शुरू में कहा कि नहीं बड़ा अच्छा है, लेकिन वहां भी प्रॉपर्टी या कॉन्सेप्ट आया तो गड़बड़ हो गया। ये सब जो सिद्धांतकार थे, उन्होंने क्या किया कि मनुष्य जैसा इनको दिख रहा था
उसी को थ्योराइज करने की कोशिश की, कोई ऐसा आइडियल स्टेब्लिश करने की कोशिश नहीं की जैसा मनुष्य को बन जाना चाहिए। और बाजार भी यही करता है, आप जैसे हो चुके हैं, आप जिन चीजों को चाहते हैं उन्हीं चीजों को बढ़ावा देने की कोशिश बाजार करता है, भले ही आगे चल करके आपको इससे नुकसान हो। तो बाजार क्या करेगा कि आपको जो नुकसान हुआ है उसके जरिए भी वो लाभ कमाने का एक आयाम विकसित कर लेगा। आधुनिक काल में अमेरिका में एक रसेल कार्सन नाम की लेखिका है, साइलेंट स्प्रिंग नाम से उन्होंने एक किताब लिखी 60 के दशक की बात में, जब अमेरिका में पेस्टिसाइड्स का फर्टिलाइजर्स का अधिक इस्तेमाल हो रहा था तो ये देखा गया तितलियां कम हो रही हैं, मधुमक्खियां कम हो रही हैं, बहुत से जो घास फूस पौधे उग आते थे वो खत्म हो रहे हैं, और इससे प्रकृति जगत को खतरा है, मानव जगत को भी खतरा है, इस चीज को उन्होंने एस्टेब्लिश करने की कोशिश की। और यहां से आधुनिक समय में पर्यावरण को बचाने की एक मुहिम शुरू हुई, आंदोलन के बीच में चाहते हैं और जब आपको लगे कि मुझे नहीं बोलना तो बता दीजिए, ठीक है। और इसके बाद ये मैं नहीं कहूंगा कि बीच में कई कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन एक समय सीमा की वजह से कुछ चीजों को स्किप करना पड़ता है। आपने सदरलैंड, ड्रू सदरलैंड का नाम सुना होगा, नॉर्वे की प्रधानमंत्री थी, तो 63 के आसपास संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक पर्यावरण एवं विकास आयोग बनाया जिसकी वो अध्यक्षा थी। इसने एक रिपोर्ट दिया और उस रिपोर्ट के बाद से ही दुनिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातचीत होने लगी। रवि ऐसा ही कुछ था ना? तो ये सदर ब्रुडलैंड की अध्यक्षता में जो कमीशन बनी और उसके बाद इस तरह की चीजें विकसित हुई, और उसके बाद आप देखिए कि पर्यावरण को बचाने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल को लेकर के दुनिया भर में बहुत सारे सम्मेलन होने शुरू हुए। आपने स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में सुना होगा, पेरिस जलवायु सम्मेलन के बारे में सुना होगा, क्योटो सम्मेलन के बारे में सुना होगा, और इससे जुड़ी हुई विवादों को भी सुना होगा। खास करके स्टॉकहोम और पेरिस सम्मेलन में पता है कि आपको अमेरिका ने कहा कि हम नहीं मानेंगे जब हमारे आज के वहां जो राष्ट्रपति है बाइडेन फिर से इस संधि में अमेरिका को वापस लाए, अदरवाइज इसके पहले जो वहां के राष्ट्रपति थे क्या नाम था, ट्रंप अमेरिका को उसे वापस कर दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अमेरिका ये देख रहा था कि विकसित होने के लिए हमको जिन चीजों की जरूरत होती है, मशीनों की, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की, एनर्जी की, उसकी वजह से कार्बन उत्सर्जन होता ही होता है, और जब कार्बन उत्सर्जन की हम एक लिमिट तय कर लेंगे तो इसका मतलब होगा कि हम उतना विकास नहीं कर पाएंगे। इस वक्त भारत और चीन का यह तर्क होता है कि हमको विकास करने के लिए अभी कुछ और छूट चाहिए कार्बन उत्सर्जन में, क्योंकि हम उस लेवल तक अभी नहीं पहुंच पाए हैं। इस तक को जरा उलट करके समझिए, इसका मतलब होता है थोड़ा गंदगी और फैला लेने दो, उसके बाद हम चेतेंगे, लेकिन जो हमारी जरूरतें हैं, विकास संबंधी जरूरतें हैं, उस संदर्भ में ये जरूरी बात हुआ। लेकिन इस विवाद को थोड़ा सा और पीछे लेकर के चलिए, जब दुनिया में इको फ्रेंडली मशीन बनने लग गए, और सबसे पहले ऐसे मशीनों को उन देशों ने बनाया जो
जो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स बनाते थे, मतलब पूंजीगत वस्तुएं बनाते थे, मतलब जिनके निर्माण में अधिक पूंजी लगती थी। जाहिर सी बात है ऐसे सारे राष्ट्र पश्चिमी राष्ट्र थे, और तब विकासशील राष्ट्रों पर जो दबाव आ रहा था कि आप अपने पुराने मशीनों को बदलिए, यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक प्रेशर पॉलिटिक्स टैक्टिक्स के रूप में इस्तेमाल किया। इसलिए कि आप अपने मशीनों को रिप्लेस करके हमारे मशीनों को खरीदिए, हमारे टेक्नोलॉजी को खरीदिए, और ऐसा जब आप करेंगे तो आप पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल को आप अचीव कर पाएंगे। हाँ, तो ये बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन गोल, लेकिन इसमें भी हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो, ये महत्वपूर्ण चीज है। अदरवाइज इतनी बड़ी जनसंख्या दुनिया और सब के सब लोग जिस एक मुद्दे को लेकर के कहीं ना कहीं सोचते जरूर हैं, वो सब मिलकर के चाह ले तो ऐसा नहीं है कि दुनिया की तस्वीर बदल नहीं सकती। पर क्यों नहीं बदल रही है, या जितना बदल जाना चाहिए था उतना क्यों नहीं बदल रही है, इसके पीछे कई कारण हैं, जिसमें दुनिया की आज की जो संरचना है वह भी एक कारण है। आपने ये सुना होगा कि दुनिया में लगभग आवाज आ रही है पीछे तक, दुनिया में लगभग 4000 लोगों के हाथों में दुनिया की 2/3 पूंजी केंद्रित है। आप समझ लीजिए इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि हम कितनी असमान दुनिया में रह रहे हैं, जहां हिमालय जैसी खाई अमीरी और गरीबी के बीच में। तो आखिर एक गरीब ने ऐसा क्या पाप किया है कि उसको जीवन में वो सारी सुविधाएं नहीं चाहिए जो बहुत विकसित हो चुके, बहुत अमीर हो चुके लोगों को प्राप्त हो चुके। तो इससे एक संघर्ष जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, और यह जो संघर्ष है वह एक समय में ऐसा स्वरूप ग्रहण कर लेता है जिसमें सबसे अधिक नुकसान। एक विचारक हैं गैरेट हार्डिंग, उन्होंने पर्यावरण को लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लक्ष्य को हम क्यों हासिल नहीं कर पा रहे हैं इसके लिए एक कॉन्सेप्ट डिराइव किया। उन्होंने कहा कि जो प्रकृति है वह हमारी साझी संपदा है। जा रही है मैम अंजलि का। और ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स नाम से उन्होंने किताब भी लिखी, उसके लिए कॉन्सेप्ट प्रकृति कैसी है हमारी साझी संपदा। इसीलिए हम उसके रख रखाव पर चिंतित नहीं होते, हम उसके रख रखाव पर चिंता करते हैं जो हमारी साझी संपदा है, और इस साझी संपदा का हम दोहन क्यों करें। इसका एक खास वजह है कि प्रकृति को लेकर के हम अराजक अवस्था में जीने लग गए हैं, खास करके आधुनिक युग में। और वह अराजक अवस्था क्या है, जैसे कि तुम्हारा क्या नाम है हर्षिता, और तुम्हारा सोनम को ये पता नहीं है कि हर्षिता अपने पर्यावरण के कितने हिस्से का उपभोग आज कर लेगी, और उसी तरह हर्षिता को पता नहीं है कि सोनम अपने हिस्से का कितना पर्यावरण आज ही उपभोग कर लेगी। यदि इन दोनों को ये पता होता कि ये दोनों एक दूसरे के लिए उस पर्यावरण को बचा कर रख देंगी जिसका ये दोनों कल परसों और परसों इस्तेमाल कर सकते हैं, तब ये दोनों पर्यावरण का उतना दोहन नहीं करते। लेकिन ऐसी कोई गारंटी ना तो लोगों के बीच में है ना ही राष्ट्रों के बीच में। इस चीज को पर्यावरण को लेकर के हम कहते हैं कि लोग पर्यावरण को लेकर के लोग और राष्ट्र एक प्रिजनर्स डायलेमा है। क्यों? क्योंकि दूसरा कितना उपभोग कर लेगा, किस कीमत पर उपभोग कर लेगा, इसकी जानकारी होती नहीं है, ना राष्ट्रों को होती है ना लोगों को।
और सब ये जानते हैं कि ये हमारे हिस्से का जो पर्यावरण है वो शायद हमें कल नहीं मिलेगा, और इसका परिणाम ये होता है कि हम उसका दोहन करते रहते हैं। जब ये स्थिति है, इसका मतलब ये हुआ कि लोगों को आपस में विश्वास बनाना होगा, इस बात की गारंटी सबको लेनी होगी, सबको देनी होगी कि हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे और अनावश्यक इसका उपभोग नहीं करेंगे। जो संतोष विकास है, जो सतत विकास है, ये जरूरी इसलिए भी है कि हम आने वाली संततियों के लिए एक हरित धरा छोड़ करके जाए। कभी आप विचार कीजिए कि आपके मम्मी पापा या हमारे मम्मी पापा या आप जब किसी के मम्मी पापा हो जाओगे, सब अपने बच्चों से प्यार बहुत है ना, और ये भी कहते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए फला फला चीज छोड़ के जा रहे हैं, बना के जा रहे हैं, और ऐसा करने के क्रम में दो चीजें वे लोग ऐसा करते जाते हैं जिसकी वजह से आने वाली पीढ़ी शायद जीने की अवस्था में नहीं रहे। एक काम तो पर्यावरण का जो नुकसान कर रहे, मतलब आने वाली संततियों को हम एक ऐसी धरती दे के जाने वाले हैं जो खोखली धरती होगी, जो सूखी धरती होगी, खराब जल, खराब हवा, खराब वातावरण। और दूसरा एक चीज और करते हैं कि हम अपने बच्चों पर जिस कर्ज के लिए वे जिम्मेदार नहीं हैं वैसा कर्ज उनके ऊपर डालते जाते हैं। आपको पता है कि दुनिया का हर देश जितनी उसकी जीडीपी है उसके कई गुना लोन ले रखा है, मतलब उसको चुकाने में बरसों लग जाए। और आपने ये भी सुना कि श्रीलंका में जितनी उसकी जीडीपी थी उससे लगभग 97% के आसपास तक उसका कर्ज हो गया था, वो एक विफल राष्ट्र जैसा हुआ। ग्रीस के बारे में आपने, वहां जो सब प्राइम क्राइसिस आई थी उसके बारे में आपने सुन रखा होगा। तो दुनिया के राष्ट्रों में विकास को लेकर के जो अभी धारा चल रही है वो एक ऐसी धारा है जिसमें हम अपने वर्तमान में अपने भविष्य को कंज्यूम कर जाते हैं। और ये जो भविष्य को कंज्यूम कर जाने की क्षमता मानव जाति में आई है वो दो चीज से आई, एक तो टेक्नोलॉजी की वजह से और एक काल्पनिक मुद्रा की वजह से। जब तक ये कागजी मुद्रा जिसे कहले इसका चलन नहीं था, तब तक हम भविष्य को कंज्यूम करने की क्षमता से बहुत महरूम थे। लेकिन जब से ये साख मुद्रा का चलन हो गया है तब से हम भविष्य को कंज्यूम कर जाने की अपनी बहुत बड़ी क्षमता बढ़ा लिए हैं। और इस क्षमता को जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता जा रहा है वैसे वैसे और बढ़ाते जा रहे हैं। इसीलिए जरूरत इस बात की होती है, और ये जो G20 का सम्मेलन भारतवर्ष में हो रहा है, यहां हमको इस पर जरूर विचार करना चाहिए, हमारी सरकारों को भी और हम लोगों को भी, कि क्यों नहीं हम एक ऐसे जीवन शैली को विकसित करें जिसकी चर्चा हमारे प्राचीन ग्रंथों में रही है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्याम् जगत्। सबने आपने सुना होगा ईशावास्य का एक ये प्रसिद्ध कथन है, और इसी में आगे कहा गया कि हम इस जगत में अपनी सीमित आवश्यकताओं को सीमित करें और इस प्रकार से जीवन जिए जैसे यह पूरी धरा, यहाँ के पूरे संसाधन हमको ज्यों का त्यों फिर से छोड़ करके जाना। भारत में जो हमारी सनातन परंपरा है उसमें जीवन जीने के इस तरह के विकल्पों के बारे में बातचीत की गई, और ऐसा नहीं है कि वह सिर्फ एक सैद्धांतिक विकल्प थे। वैसा जीवन भारत में जिया जाता था, और भारत में ही नहीं जिया जाता था बल्कि जितनी प्राचीन सभ्यताएं थी वो सारी इको फ्रेंडली सभ्यताएं।
लेकिन जैसे जैसे प्राचीन सभ्यताओं का एक ऐसा विकास होता गया जिनमें यूरोप भर का चला गया, वहां यह दिक्कत आती चली। एक और महत्वपूर्ण ध्यान बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हम सभी लोग प्रायः डार्विन के नाम से परिचित हैं और डार्विन के उद्विकासवाद की पश्चिम में भी बहुत आलोचना हुई है, लेकिन पश्चिम इससे सबसे अधिक प्रभावित भी रहा है। और अब ये कहना कि पश्चिम ही प्रभावित रहा है ऐसा नहीं है, बल्कि वह पश्चिमी सभ्यता, वहां का पूंजीवाद, वहां का सेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन सिस्टम, वहां का मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन सिस्टम अब दुनिया की एक आदत बनती जा रही है। इसीलिए वह पश्चिम की आदत अब दुनिया की आदत हो गई। इसकी वजह से हमें ये विचार करने की जरूरत है कि क्या डार्विन के उद्विकासवाद वाला जो प्राणी है, जो हिंसक है, स्वार्थी है, अपना ही भला चाहता है, ये जो अवधारणा हमें पढ़ाई गई है वो सही है या गलत है। हम यहाँ इंडियन ट्रेडिशन की बात नहीं करेंगे। यहाँ तो कहा गया कि मनुष्य में देवत्व है, एक बार चलिए इसकी बात नहीं करते हैं। कुछ फैक्चुअल एनालिसिस दुनिया में जो नए रिसर्च है वो क्या कर रहे हैं। एक नई किताब आई है बुटखेर बर्गमान की, किताब का नाम है ह्यूमन काइंड अ होपफुल हिस्ट्री। इस किताब में पुरानी कई गलत अवधारणाओं को उसने तोड़ के रख दिया और बड़े बड़े दुनिया के इतिहासकार उस किताब को पढ़ने के बाद अचंभित हैं। उस किताब में वो कहता है कि हम दो गलत अवधारणाओं से पिछले 300 साल से परिचित हुए और उन दो गलत अवधारणाओं ने मानव जाति के लगभग लगभग 60,000 साल के इतिहास को बदल करके रख दिया और ये जानबूझ के किया गया है, एक खास तरह के पूंजीवाद को जन्म दिया। हमको आपको ये बताया जाता रहा है कि मानव जाति का जो इतिहास है वो युद्धों का इतिहास है और वह बहुत शुरू से ही जब आदिम समाज में रहता था तो आपस में ही लड़ता रहता था, हिंसा उसमें यहीं से आ गई और इसी से हम प्रकृति के प्रति भी हिंसा करते हैं, हिंसा से बचने के लिए भी हम हिंसा करते हैं और पर्यावरण की रक्षा के लिए भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचा। क्या बताने की कोशिश की उसने, उसने बताया कि जो होमो सेपियंस है, और एक गलत अवधारणा हम लोग के पास ये थी कि इस सृष्टि का जो सबसे ज्ञानी मनुष्य है वो होमो सेपियंस है। रुथखेर बर्गमान कहता है कि यदि होमो सेपियंस पीसी है, पर्सनल कंप्यूटर, तो नियांडरथल सुपर कंप्यूटर। ये अवधारणा पूरी उलट के रख दिया और ये सिर्फ कल्पना नहीं किया, फॉसिल्स एविडेंस जिसकी स्टडी पहले करके वो बात कही गई थी वो उसी को देखा, उसी को इंटरप्रेट किया और कहा कि वह शरीर से बहुत बड़ा होता था, दिमाग से सुपर कंप्यूटर है, तो इसकी वजह से वो ऑर्गेनाइज नहीं रहता और बड़ा हिंसक था। होमो सेपियंस से उसकी लड़ाई होती है और होमो सेपियंस कैसा है, बहुत ही प्यारा जीव है, अपने को बहुत रिवील नहीं करना चाहता है, वो छुपा रहना चाहता है, उसकी आवश्यकताएं बड़ी सीमित है, वो सहयोग से जीता है। लेकिन उसमें एक खास बात है कि वह अनुकरण करने वाला प्राणी जो नियांडरथल नहीं था, तो हिंसा की जो प्रवृत्ति आई होमो सेपियंस में, ये रुथखेर बर्गमान कर रहा कह रहा है कि इसकी ये मूल प्रवृत्ति थी नहीं, रूसो आपको याद आएंगे यहां, ये नियांडरथल की प्रवृत्ति है और नियांडरथल का ऐसा आकार है। कई बार मैं ऐसा सोचता हूं कि भारत में जो राक्षसों की अवधारणा आई है, राक्षस जी बड़े बुद्धिमान होते थे है ना और शरीर से बड़े मजबूत होते थे, तो शायद राक्षसों की अवधारणा जो हमारे यहाँ आई वो शायद उसी इमेजिनेशन से आई हो, ये ऐसा मैं सोचा करता हूं। तो सवाल ये है
कि जब हमारे सारे टेक्सचुअल ट्रेडिशन में जो एंशियंट इंडिया के हमें आत्मनिग्रह सिखाया गया, हमें अहिंसा सिखाया गया, हमें शुचिता सिखाई गई, हमें पवित्रता सिखाया गया, हमें कर्तव्य बोध सिखाया गया, हमें पर्यावरण की रक्षा सिखाया गया, लेकिन हम उन चीज़ों को छोड़कर जब पूरी तरह से भौतिकवादी होते जाते हैं तो हमें भी उन समस्याओं का समाधान ढूंढने की जरूरत होती है जिन समस्याओं से हम आज रूबरू हो गए। और इसके लिए जो हमारे देश का युवा वर्ग है और खास करके इसमें जो बालिकाएं हैं जैसे आप लोग, उनकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि आप किसी की बहन हैं, आप किसी की माँ हैं, आप किसी की चाची हैं, और बचपन से आपका जो संसर्ग है, आप जो शिक्षा देती हैं, उस शिक्षा का सबसे अधिक प्रभाव, सबसे अधिक महत्व किसी बालक पर पड़ता है। लेकिन उस शिक्षा का महत्व नहीं पड़ता है जो हमारे आचरण में न हो। हमारे आचरण में होने के लिए, हमारी बातों का असर किसी पर हो, इसके लिए जरूरी होता है कि हमारे आचरण में भी वह बात हो। लेकिन आचरण में वह बात धीरे धीरे गायब होती जा रही है, तो हम लोग सिर्फ ऐसे साधु संतों की तरह बात करने लगे हैं जो बात तो करते हैं कि बड़ा त्याग करना चाहिए, लेकिन हवाई जहाज में चलते हैं, सोने के सिंहासन पर बैठते हैं, एप्पल का मोबाइल लैपटॉप इत्यादि रखते हैं, जबकि उनसे अपेक्षा क्या की जाती है कि वे सादा जीवन, कम से कम जो हमारी आवश्यकताएं हैं। महात्मा गांधी कहा करते थे, बड़ी अच्छी प्रतिमा है उनका, एक हंसता हुआ चेहरा लगा है आपके यहाँ, ये जो धरती है वह समस्त मानव जाति की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, लेकिन किसी एक आदमी के लालच को भी पूरा नहीं कर सकती। और आपको पता है कि हमको आपको क्या सिखाया जाता है, ये दिल मांगे मोर, शाहरुख खान का नाम ले लिया ये अलग बात है, लेकिन सारी सरकारें ये चाहती हैं कि आप अधिक से अधिक कंज्यूम करो। आप अधिक से अधिक कंज्यूम नहीं करोगे, संचयी बन जाओगे तो बाजार बैठ। आप कल्पना करो कि आपके इस कस्बे में 5 लाख बच्चियां हैं, 5 लाख बच्चियां अचानक प्रेरित हो जाएं कि हम साल भर में सिर्फ 3 ड्रेस खरीदे, ठीक है, अदरवाइज साल भर में 10 ड्रेस खरीदते थे तो 7 ड्रेस का मार्केट कम हो जाएगा ना। तो मार्केट ये कभी नहीं चाहता है कि आप कंज्यूम करें, आप कम कंज्यूम करें, वो चाहता है कि आप अधिक से अधिक कंज्यूम करें। बहुत सी आधुनिक सुविधाएं जो हमको आपको दी जाती हैं, वजह यह होता है कि बाजार हमारे घर तक पहुंच जाए, लेकिन इस बाजार को भी ये जरूर सोचना होगा कि वह अपना बाजार कहां चलाएगा जब यह मानव जाति ही नहीं रहे। और कम से कम जो लोग इस मामले में बड़े फंतासी में सोचते हैं, अरे क्या हुआ, तकनीक में और मानव के विवेक में तो इतनी क्षमता है, ये ठीक है पृथ्वी खत्म हो जाएगी तो हो जाए, हम दूसरे ग्रहों पर बस जाएंगे, लेकिन हमेशा याद रखिए कि जब भी ऐसा अवसर आएगा तो उस ग्रह पर जाने के लिए 5-10 लाख से अधिक लोग नहीं चुने जाएंगे। और हम सब कैसे लोग हैं जो यहीं रह जाएंगे, ये धरती हमारी माता है और इस माता को बचाने के लिए जरूर हमको कठिन परिस्थितियों में रह करके सोचना और कुछ करना होगा। मुझे नहीं मालूम कि मैं आपसे कैसी बात कर पाया और आपको कैसा लगा होगा, लेकिन मुझे आपके बीच में आकर के बहुत अच्छा लगा। आप लोग मेरी बात को सुने, इसलिए मैं फिर से आपके प्रिय आभार करता हूँ, प्रकट करता हूँ। नमस्कार। भैया को सुनना हमेशा ही एक अलग अनुभव देने वाला होता है, और मैं तो ये सोचता रहता हूँ कि
इस स्तर का अध्ययन और इस स्तर से संयोजन वो आपकी विलक्षण प्रतिभा को प्रदर्शित करता है। और बच्चों को बहुत सारी चीजें शायद उस रूप में नहीं समझ में आ पाई होंगी बच्चों, लेकिन आप विषय में कभी आगे गति करेंगे, आगे पढ़ेंगे, जब इन चीन कॉन्सेप्ट अवधारणाओं को समझेंगे, थोड़ा और उच्च स्तर पे शोध वगैरह करेंगे, बड़े सेमिनार में जाएंगे, कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, वहाँ लोगों को सुनेंगे, तब शायद आपको ये ख्याल आएगा कि हमारे यहाँ जो सर आए थे जब हम बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या सेमेस्टर फर्स्ट थर्ड में थे, तो उस स्तर की बात ये नहीं अभी तक आई है। तब शायद आपको ये महसूस करेंगे। तो सर का व्याख्यान उस श्रेणी का है जिसके बारे में कम से कम मैं अपने आप को बहुत समर्थ और सक्षम नहीं मानता हूँ कि उस पर मैं कोई टिप्पणी कर सकूँ। मेरे लिए सीखने की बात थी और बहुत कुछ मैंने सीखा और उम्मीद है कि उस सीखने को मैं आने वाले समय में अपने निजी जीवन में उसको शामिल करूँगा। बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले हमारे बीच में BHU RCI IIT के हमारे प्रतिनिधि आशीष जी आए हुए हैं, तो डॉक्टर साहब से अनुरोध है कि वो उनके स्वागत के लिए उन्हें बुके प्रदान करें और उन्हें अंगवस्त्रम प्रदान करें। तो वर्मा सर RCI जो उन्नत भारत अभियान से बच्चे जुड़े हुए हैं वो जानते होंगे, तो ये एक तरीके से हम लोग इनके अम्ब्रेला के तहत काम कर रहे हैं। तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए और हमारे अधिकृत रूप से सह आयोजक के रूप में उन्होंने इस भूमिका को लिया है, तो बहुत बहुत स्वागत है आशीष जी।